हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस के मैकेनिक के अंदर। आज अपने पास ये गाड़ी है, ये क्या नाम है, एस्प्रेसो गाड़ी है। इसका गियर है अपने पास, इसमें कस्टमर की ये शिकायत थी फर्स्ट सेकंड गियर छटक रहा था। ऐसे फर्स्ट सेकंड गियर फर्स्ट गियर डालते थे अपन और गियर छटक जाता था। तो आज हमारे उस्ताद है वसीम भाई अंसारी, जो इसके बारे में पूरा समझाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है क्या नहीं है, गियर के पूरा ये भी गियर बिखेर रहे हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो वसीम भाई बताइए सर, इस गाड़ी के अंदर में अपन गियर खोल रहे हैं, कस्टमर शिकायत लेकर आया था आपके पास, क्या क्या था पूरी बात बताना। शिकायत लेकर आया था, एक तो इसके साउंड आ रहा था, अच्छा गियर मतलब हमिंग साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा हमिंग साउंड आ रहा है। मतलब मैं आपको राठौड़ी भाषा में बताऊं तो गर 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 चलाने के ऊपर गर गर टाइप का साउंड आ रहा है। और फर्स्ट सेकंड गियर जैसे लेते हैं अपन वापस फेंक देते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में कर देता है, न्यूट्रल पोजीशन पे कर देता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपन ने ये लॉक निकाल के इसको हटा दिया, यहाँ से ऊपर वाली लॉक हटा दी अपन ने। अब इसको निकालना है अपने को, पांचवा गियर है और रिवर्स गियर इसी में काम करेगा। रिवर्स गियर की गिरारी अंदर है, अच्छा, बट रिवर्स गियर के लिए ये राड काम करती है, पूरा ऊपर आता है। अच्छा, ये वाला पूरा ऊपर आता है, ठीक है, बता देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, रिवर्स गियर काम करेगा, ठीक है, ये पांचवा गियर काम करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपसे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं, ये जब सील लगी हुई है दो मिनट इसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए, पास आता हूं दो मिनट ना, इसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये सील लगी हुई, इसके अपन ने बोल लगा रखे, जो ये टाइट है बोल टाइट है, ठीक है, अपन ने खोले भी नहीं है, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए, तो इसमें प्ले नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने इसके अंदर आ जाओ आप, ये इसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट के अंदर अपने आते हैं फर्स्ट और सेकंड गियर, बिल्कुल आते हैं, सही है। और इनपुट शाफ्ट के अंदर में आते हैं थर्ड फोर्थ रिवर्स और फिफ्थ गियर, ठीक है ना। तो अब अपने क्या दिक्कत आ रही है, फर्स्ट गियर छटक रहा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इसको हिला के लीजिए, ये देखिए, ये जब बोल टाइट हो जाएगी तो उसमें ये प्ले नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, ये गिरारी निकाल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये घर घर का जो साउंड आ रहा है, ये गिरारी पूरी यहाँ टच होके चल रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो आप साउंड बता रहे थे, बिल्कुल 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 दिख रहा है। अब फर्स्ट सेकंड गियर भी छटक रहा है, तो देखिए प्ले है ये। अच्छा, ठीक है, क्या गियर अपन पूरा रिमूव करेंगे, खोलेंगे इसको, ठीक है, फिर अंदर देखेंगे कौन सा बेरिंग खत्म हुआ है, बेरिंग खत्म हुआ या और कोई दूसरी मिस्टेक भी हो सकती है, तो अपन खोलेंगे तो इसके अंदर जान सकते हैं क्या है। तो एक बार चलो अपन खोलते हैं वीडियो के अंदर, एक बार अपन इसको पूरा खोलते हैं, आप पूरी वीडियो को देखना है, इसको हो सकता है बेरिंग बहुत सीखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये अभी नई गाड़ी है, अभी 22,000 किलोमीटर चली है ये एस्प्रेसो, अच्छा, प्योर पेट्रोल, फिर भी ये दिक्कत आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं, खोल रहे हैं, आप हमारी पूरी वीडियो पर बने रहे, ठीक है। एक बार आप बताओ इसके अंदर क्या क्या दिक्कत निकलती है, खोलने के बाद इसके बोल, बिल्कुल खोलो भाई, ये हमारे उस्ताद बता रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा, कार गुरु अंसारी के नाम से। इनके चैनल पे बहुत सारी वीडियो है और बहुत नॉलेज वाली वीडियो इनके पास। लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताया इन्होंने, ये उसकी लाइट बिलिंग कर दी, उसको कैसे ठीक करते हैं, वायरिंग प्रॉब्लम अदरवाइज और दूसरी कंपनी की गाड़ियाँ उसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम है इन्होंने बताया। इनका यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप सब्सक्राइब करना, कार गुरु के नाम से, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। आजकल मैं हमारे उस्ताद को लेकर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हमारे उस्ताद बिल्कुल तरीके से एक बार समझा सकते हैं कि गियर के अंदर, एक बार ये बना रहे हैं, खोलो एक बार, ये वाला स्क्रू स्पेशल दे रखा है यहाँ पे, अगर अच्छा। यहाँ पे अपन बोल्ट लगाएंगे ना तो गिरारी के टच होगा, अच्छा वो गिरारी के टच होगा, इसलिए मारुति ने क्या किया है, लंकी वाला कट वाला स्क्रू दिया है यहाँ पे, बोल्ट इधर लगाया तो गिरारी इतनी इतनी चलेगी, तो आए गिरारी, तो यहाँ पे क्या, लेकिन ये भी किसी का देखो ऑर्डर के चलने से चुका है, लो खोलो एक बार, खोलो इसकी स्टार गोटी लगेगी ना, इसके नीचे सिम भी आती है, एक बार ये प्लेट अपन ने खोली है, ये अपन ने खोल दिया है प्लेट, अब इसमें देखते हैं, वाइशर तो लगा हुआ है इसका, सिम लगी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर की प्रॉब्लम है कोई ना कोई, प्ले बताना उसका, एक बार वाइशर है ना, ये देखिए, ये अब तो आएगी, क्योंकि अपन ने निकाल दिया, अच्छा खोलने के बाद तो आएगी ना, प्लेट हटा देंगे उसके बाद तो प्लेट बनी रहेगी ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना ज्यादा प्ले, अब प्ले खत्म हो गई, या तो इसके अंदर अपन एक काम कर सकते हैं, एक वाइशर और लगाया जा सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन अपन खोल के देखेंगे, खोल के देखेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये प्ले क्यों आई है ना, तो एक बार खोलते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना भाई, क्योंकि कस्टमर ने बाहर खुलवाया भी नहीं है ऐसा, पहली बार ही खोल रहे हैं अपन, तो भाई दिक्कत क्या आई है ऐसी इसके अंदर। मेरे हिसाब से उस्ताद इसके अंदर गेरोल अगर कम पड़ जाएगा, लिखिए जो रहा दिख रहा है, तो उसकी वजह से बेरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कंपनी फॉल्ट तो नहीं है,
ये ऑयल लीकेज की वजह से हुआ है। खोलने के लिए इसके अंदर के बोल्ट भी खोलने पड़ता है, अंदर बोल्ट लग रहे हैं इसमें 12 के बोल्ट लग रहे हैं, वो खोलेंगे। ठीक है खोलो, मैं एक बार वीडियो पुश करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो। ठीक है आप खोलो एक बार पूरा। ये अपन ने गियर पार्टीशन निकाल दिया है, अभी उसी में बताएंगे इसके अंदर। ये काउंटर आप खोले अपन पूरी, देखिए दोस्तों अपन ने पूरा गियर मतलब रिमूव कर लिया है। अब ये शाफ्ट निकालेंगे अपन, शाफ्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 12 नंबर बोल्ट देखे हैं, ये खोलेंगे। बिल्कुल ठीक है खोलो दोस्तों। तो मैंने आपको पांचवा गियर और रिवर्स गियर के बारे में बताया था। ठीक है ये देखिए, ये लग रही है वो राड, फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर की। अब यहाँ पे इसी राड में क्या दे दिया, ये रिवर्स का सिस्टम अलग से दे दिया। अच्छा ये कहाँ जाके लग रहा है, इधर रिवर्स की गिरारी में, जैसे ये ऊपर जाएगा अपना रिवर्स गियर इंगेज हो जाएगा। ठीक है ये रिवर्स गियर के लिए काम में आएगा। एक ही राड पे फिफ्थ गियर भी है और रिवर्स गियर भी है। ये बता रहा हूँ मैं आपको नॉलेज के लिए। ठीक है इनको ये भी बता दो एक बार कि इसके अंदर छर्रे और स्प्रिंग आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे इसके अंदर आएंगे। ये तो सिलेक्टर के अंदर में नहीं आएंगे लेकिन इसके अंदर में आएंगे। इसके अंदर आएंगे ना, आएंगे इसके अंदर में। सिलेक्टर के अंदर में कोई पिस्टन नहीं है, नहीं है। अल्टो 800 के गियर के अंदर में पिस्टन आता है इतना। बिल्कुल आता है बिल्कुल, वही मैं आपको वीडियो के अंदर बता दो ठीक रहेगा। इसके अंदर छर्रे निकलेंगे, स्प्रिंग निकलेगी। ठीक है दोस्तों खोलो, अब ये खोलना है अपने को। ठीक है खोलो दोस्तों, ये तीनों बोल्ट खोल लिए हैं। अब देख सकते हैं आप इसके अंदर स्प्रिंग लग रही है और छर्रे लग रहे हैं। तो नाप की कोई स्प्रिंग छोटी, ठीक है सबसे बड़ी बीच में, अच्छा फिर उससे थोड़ी सी छोटी, ये 3 साइज है। अच्छा दो तो बराबर हो गई, अच्छा दो बराबर है, ठीक है ना, दो बराबर है, बीच वाली बराबर है, बीच वाली बड़ी है, बीच वाली बड़ी। ठीक ठीक ठीक, छर्रे निकालेंगे अपन। छर्रे निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करना है इसको। ये अपन ने खोल दिया है, ये काउंटर साफ्ट है। हाँ अब आप इसके अंदर बताना उस्ताद क्या खराबी इसी के अंदर थी। अभी चेक करते हैं, ये फर्स्ट गियर में लगेगा। ठीक है, है ना, ये अपने थर्ड फोर्थ का हो गया। ठीक है ये ऐसे लगेगा। ठीक है ये अपने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर। ठीक है ऐसे ऊपर फिफ्थ गियर आया था, फिफ्थ गियर है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर, ये ऐसे लगेगा। बिल्कुल, और उसके बाद ये पांचवें गियर की गिरारी लगेगी जो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी रिवर्स, ऐसे ऐसे लगेगी। ठीक है ठीक है, ये आपको दिक्कत नहीं, आप तो दिक्कत क्या है जो एक बार इसके अंदर ही है। मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हैं इसके अंदर में, ये नीचे वाला जो बेरिंग है ये टूट चुका है, खराब हो चुका है। अच्छा हाँ दिख रहा है आपको, ये टूट गया अंदर है, बिल्कुल टूट चुका है ये अलग हो चुका है ये बेरिंग। ठीक है ये बेरिंग नया डलेगा, ये कौन नहीं डलेगी इसकी वजह से क्या हो गया, गियर में पिले आ रही थी। बिल्कुल इसी बेरिंग की वजह से गियर की शाफ्ट में टॉप शाफ्ट जो होती है काउंटर शाफ्ट जिसको बोलते हैं उसमें पिले आ रही थी, पिले आ गई। इसके अंदर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, केवल ये बेरिंग खराब है, बेरिंग खराब हो गया। एक बार अपन ये राड चेक कर लेते हैं, राड चेक कर लो। ये हो गई फर्स्ट सेकेंड गियर की राड, आप ये देख सकते हैं कि इसका बेरिंग है। ठीक है सबसे पहले तो अपन काउंटर शाफ्ट को चेक कर लेते हैं कि इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है काउंटर शाफ्ट के अंदर, ठीक है सारी गिरारियाँ चेक कर लेते हैं। ये गिरारी ओके है, ये फर्स्ट गियर की गिरारी है। ठीक है ये ऊपर आ जाइए आप, ये सेकंड गियर की गिरारी है। ठीक है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार ये वाली रिंग चेक कर लेते हैं ऐसे नीचे करके, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये अंदर वाला कड़ा भी चेक करना है आपको, ये क्रैक हो जाता है अभी डीजल गाड़ियों के अंदर में। हाँ डीजल गाड़ियों में होता है, तो ये वो चेक करना है आपको, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। अब इधर सेकंड गियर की साइड में चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये जब चलाते हैं ना तो इसके अंदर प्ले आनी चाहिए, हल्की सी प्ले आनी चाहिए, तो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जो मेन दिक्कत है ना, आप ये देख सकते हैं काउंटर शाफ्ट नीचे जाके टच वो भी होने लगते हैं बेरिंग टूटने की वजह से। दिख रहा है निशान आ चुके हैं इसके ऊपर, है ना। तो दोस्तों अपने ये शाफ्ट भी कंप्लीट है, पूरी चेक कर ली अपन, सिर्फ नीचे का बेरिंग डलेगा, अपने नीचे का बेरिंग डलेगा। अब बेरिंग को निकालते हैं अपन,
उसके बाद देखते हैं इसको बेरिंग को। मेरी बात सुनो ना, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस बेरिंग की मिस्टेक थी या किसी और की थी, ये पूछना चाह रहा हूँ। बेरिंग की ही दिक्कत, बेरिंग की दिक्कत है ना, बेरिंग की ही दिक्कत आप देख। हाँ, वो दिख गया, हालत हो रही है, छल्ले सारे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्या पब्लिक देखती भी नहीं है। बिल्कुल वो देखेंगे भी नहीं। हो इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम ये थी, अपन को प्रॉब्लम बतानी थी मेन। शाफ्ट, शाफ्ट जिसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, हाँ, उसका नीचे वाला बेरिंग डैमेज मिला, डैमेज मिला अपन को, और वो पूरा घिस भी गया। फिट करेंगे इसको, हाँ, वो वाली अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा ठीक है, वो आपके चैनल पे अपलोड करना। ये पार्ट वन हो गया, अब पार्ट सेकंड बताएंगे आपको इसी चैनल के ऊपर। चलो इसी चैनल के ऊपर बताएंगे, इसी चैनल के ऊपर बताएंगे, और प्ले भी दिखाएंगे कि प्ले कम होती है नहीं होती है। चलो ठीक है, आप ये वीडियो तो यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। ये पूरा बिखर गया है और वो छर्रे भी घिस गए, और दो छर्रे भी देखो बिल्कुल हाथ में, देखो ना ये छर्रे, ये देखना बिल्कुल पतले पतले हो गए घिस के, ये देखो ठीक है। दो मिनट, ये बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल छर्रा खत्म। इधर देखो, इधर मैं बताता हूँ आपको, ये छर्रे है ना, ये देखो ये कट गए, ये दिख रहा है आपको वीडियो में, बिल्कुल खालिद भाई दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए, ये सारे छर्रे खत्म हो गए, इसके अंदर ओनली फोर नीचे वाला बेरिंग खत्म है, डैमेज होने की वजह से, और गियर ऑयल की कम होने की वजह से डैमेज हुआ, गियर ऑयल कम होने की वजह से डैमेज हुआ। कंपनी फाल तो कुछ नहीं है ना, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या थी, एक्सल की ऑयल से लीकेज थी, एक्सल की ऑयल से लीकेज होने की वजह से इसका गियर ऑयल सारा निकल गया गाड़ी से, और उसमें ये दिक्कत आ गई। तो आप हमेशा जब भी सर्विस करवाए तो गियर ऑयल का लेवल चेक कराए। इन गाड़ियों में 1,60,000 रुपए गियर ऑयल चेंज होता है। अच्छा, या तो एक साल वो भी एक बार गियर ऑयल का लेवल जरूर चेक करो, और लीकेजिंग हो तो जरूर बताए कस्टमर को, ठीक है। ठीक है वसीम भाई, खत्म करते हैं इसी जगह वीडियो को। थैंक यू।